कल आप सभी का जो है 5 अप्रैल को जो है रिजल्ट जारी होने की जो है पूरी संभावना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहले यह न्यूज़ देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पर न्यूज़ देख सकते हैं, उसके बाद बात करते हैं। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, 5 अप्रैल को मैट्रिक परीक्षा के परिणाम आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जिसमें 5 अप्रैल को मैट्रिक परीक्षा परिणाम आ सकते हैं। टॉप 30 का इस वक्त वेरिफिकेशन चल रहा है, जिसमें 90% से अधिक अंक लाने वालों का वेरिफिकेशन भी शामिल है। 17 लाख से अधिक परीक्षार्थी इस बार 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे, और ऐसे में 5 अप्रैल को मैट्रिक परीक्षा के परिणाम आ सकते हैं। और सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रजनीश, मैट्रिक परीक्षार्थियों का इंतजार भी अब कहा जाए तो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। देखिए विभाग जिस तरह का सबसे पहले देखने के लिए आप लोग क्रोम में आना, और उसके बाद सर्च बटन पे आपको क्लिक करना है और लिखना है सरकारी SERKARI सरकारी job.co आपको सर्च करना है। जैसे ही आप लोग ये सर्च करेंगे, कुछ इस तरह आप सभी को जो है सामने हमें आपको इंटरफेस दिखेगा, तो आपको यही वेबसाइट पर क्लिक करना है SERKARI job.co, और उसके बाद आपको जो है स्क्रॉल करना है और अलाउ का बटन आएगा तो आपको अलाउ कर देना, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कुछ इस तरह आपको यहाँ पर देख सकते हैं बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट 2021 का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो कुछ इस तरह आपको इंटरफेस जो है देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं अलाउ का बटन आएगा तो नोटिफिकेशन आपको जैसे ही अवेलेबल ऑप्शन होगा आपका रिजल्ट तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड 10th रिजल्ट जो है लिंक एक्टिव सून, मतलब जैसे ही लिंक आपका एक्टिव होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप लोग अलाउ कर सकते हैं। और इस तरह जो आप लोग 12th में भी जो है सबसे फास्ट जो है सर्वर चला था और 10th में भी चलेगा, तो इसलिए आप लोग इस तरह आप लोग चेक कर सकते हैं क्लास। जैसे बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट सबसे पहले जारी करके एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है, तो निश्चित रूप से कोरोना काल है और इस दौरान सबसे पहले मैट्रिक का इम्तिहान भी बिहार बोर्ड ने लिया था, और जिसको लेकर युद्ध स्तर से जो रिजल्ट की प्रक्रिया है वो जारी है। 12 घंटे से 14 घंटे तक लगातार जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके बोर्ड में ड्यूटी कर रहे हैं। खबर ये आ रही है कि कल से टॉपर्स वेरिफिकेशन चल रहा है, यानी 90% से ऊपर नंबर लाने वाले जो टॉपर्स हैं उनको कॉल गया है, उनका फिजिकली यहाँ पर एक्सपर्ट की टीम के द्वारा वेरिफिकेशन चल रहा है, और रिजल्ट की पूरी प्रक्रिया लगभग कम्प्लीट कर ली गई है, और जो अंक है उसको सूचीबद्ध किया जा रहा है। यानी भावना जताई जा रही है कि सोमवार को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, और 17 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी जिन्होंने बिहार बोर्ड में मैट्रिक का इम्तिहान दिया था उनके लिए एक बड़ी बात है कि समय से पहले रिजल्ट जारी होगा। विभा बिल्कुल रजनीश, इस पूरे वेरिफिकेशन को हम इस तरीके से भी देखें कि यहाँ पर यह भी कोशिश की जा रही है कि रिजल्ट सबसे पहले आए, और जिनके भी रिजल्ट आए उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए इसे वक्त रहते वेरीफाई कर लिया जाए। बिल्कुल, देखिए फुल प्रूफ सिस्टम तैयार किया गया है। 2016 में टॉपर्स घोटाला होने के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षा से लेकर जो रिजल्ट की प्रक्रिया है और प्रणाली है उसमें पूरी तरह से बदलाव कर दिया है। यानी बारकोडेड कॉपी और जो उत्तर पुस्तिका है उसके बाद जो धांधली है उसमें कहीं ना कहीं काफी कमी आई है, और निश्चित रूप से पूरी प्रक्रिया को खुद आनंद किशोर जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन है वो लगातार देख रहे हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निश्चित रूप से अब तक इंटर की परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं आई, रिजल्ट में गड़बड़ी बड़ी सामने नहीं आई है। ऐसे में दावा यह भी हो रहा है कि मैट्रिक का जो रिजल्ट होगा वो भी काफी फुल प्रूफ सिस्टम से जारी होगा, तो ऐसे में जो परीक्षार्थी है उनका इंतजार महज 48 घंटे में खत्म होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए मैट्रिक के परीक्षार्थी जिस तारीख का इंतजार कर रहे थे, सूत्रों के हवाले से News18 आप तक ये जानकारी पहुंचाता हुआ 5 अप्रैल यानी कि सोमवार का दिन जब आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, और उस पूरे रिजल्ट को लेकर अभी वेरिफिकेशन इस वक्त टॉप 30 स्टूडेंट्स का चलता हुआ जिन्होंने 90% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। देख लिया आप लोग, तो आपका रिजल्ट आने की जो है पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। जैसा कि आपको पता होगा टॉपर वेरिफिकेशन जो है आज जो ही यानी कल 3 अप्रैल को ही समाप्त हो चुका है। अब देखो टॉपर वेरिफिकेशन के जो है 1 से 2 दिन बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, यानी आज आपका हो गया 4 अप्रैल, और आपका 5 अप्रैल को जो है रिजल्ट जो है आने की पूरी संभावना है। आप लोग न्यूज़ में भी जैसे आप लोग यहाँ पर देख लिए हैं, यानी आपको कल जो है आपको जो है आज रात तक में जो आपको एक सूचना मिल जाएगा न्यूज़पेपर या सभी जगह आप सभी को एक देखने को मिल जाएगा कि कल रिजल्ट आने की जो है संभावना है। संभावना अभी हम बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि
हो सकता है बिहार बोर्ड का मूड है, बिहार बोर्ड कभी भी जो है अपना फैसला डिसीजन चेंज कर लेता है जब अगर उनका सर्वर काम नहीं करेगा। लेकिन आपका कल जो है यानी 5 अप्रैल को जो है बहुत ज़्यादा चांस है आपका रिजल्ट आने की, तो आप लोग एकदम ना सुना के मौज मस्ती में रहिए, ठीक है। और इस बार रिजल्ट जो है 2020 की अपेक्षा 2021 में जो है बहुत बढ़िया होने वाला है, तो उतना टेंशन नहीं लेना है। और इस बार तो ऑब्जेक्टिव डबल दे रहा था, तो लगभग सभी स्टूडेंट जो है अप्रॉक्स जो है जो भी पढ़ने वाले होंगे थोड़ा बहुत भी मेहनत किए होंगे उनका फर्स्ट डिवीज़न जो है फिक्स है, तो एकदम मजे से रहिए। और आज की वीडियो में कमेंट में माँ सरस्वती का नाम होना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। आज जो है कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, माँ सरस्वती का कमेंट सेक्शन में सिर्फ नाम लिख देना आप सभी को, ठीक है। बस इतना ही, कल रिजल्ट का इंतजार किससे, जैसे ही रिजल्ट जारी होगा आप सभी को जो है सबसे पहले सूचना दे दूंगा। तो अगर जो चैनल से नहीं जुड़े आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जो है मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।